हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटा अनंत अंबानी और साथ ही उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की शादी के अटूट बंधन में बंधने की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। दोनों के वरमाला का वीडियो सामने आया जिसमें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद में दोनों ने हाथों में हाथ डालकर स्टेज पर डांस भी किया और इसके बाद में अनंत और राधिका ने डांस किया। उसके दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ में अनंत अंबानी ने राधिका मर्चेंट को बाद में गले लगा लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रैंड रिसेप्शन की तस्वीरें आप देखिए, शादी की तस्वीरें आप देखिए और वरमाला रस्म जब हुई उस दौरान की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। शाही शादी काफ़ी धूमधाम के साथ में की गई और इसमें कई देश और विदेश के वीवीआईपी मेहमान भी शामिल हुए और इस शादी में शामिल होने के लिए दूर दूर से खास मेहमान पहुँचे थे। इस आलिशान शादी में शामिल होने के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में देश और विदेश के नामी हस्तियों का तांता लग गया। संजय दत्त, रजनीकांत, हनी सिंह, रणवीर सिंह, हार्दिक पांड्या और साथ ही अनन्या पांडे जैसे तमाम सेलिब्रिटी इतना जमकर नाचे मानो घर की शादी हो। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और साथ ही माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, प्रियंका चोपड़ा और बच्चन परिवार समेत फिल्म इंडस्ट्री का हर बड़ा चेहरा अंबानी परिवार की शादी में नजर आया। अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध गए हैं। मुकेश अंबानी खुद राधिका मर्चेंट को हाथ पकड़ कर लाए और फिर पूरा अंबानी परिवार जमकर झूमा। राधिका मर्चेंट और साथ ही अनंत अंबानी बेहद खुश नजर आए। राधिका मर्चेंट ने जैसे ही जयमाला के लिए ग्रैंड एंट्री ली, हर कोई देखता रह गया। राधिका की एंट्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब जयमाला के लिए राधिका स्टेज पर पहुंची और ऐसे में उनको देखकर हर कोई दंग रह गया। राधिका इतनी खूबसूरत लग रही थी और शादी की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस शाही शादी को पूरा किया गया। हालांकि आज भी रिसेप्शन होगा, कल भी रिसेप्शन है और आज जो रिसेप्शन होगा उसमें परिवार के कुछ लोग और साथ ही दोस्त शामिल होंगे। सबसे बड़ी शाही शादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है, पार्टी अभी बाकी है। आज शुभ
आशीर्वाद सेरेमनी है। जियो वर्ल्ड सेंटर में ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें अंबानी परिवार के खास रिश्तेदार, खास दोस्तों के अलावा कई नामचीन हस्तियां भी पहुंच रही हैं। कल शाम को एक बार फिर से महफिल लगेगी क्योंकि अनंत और राधिका का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होने वाला है जिसको लेकर तैयारियां हो चुकी हैं और आज और कल भी शादी का कार्यक्रम रहेगा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप रजनीकांत को देख रहे हैं जो कि अपने परिवार के साथ में शादी में शामिल होने गए थे और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं फिल्मी सितारों को और साथ ही राधिका की शादी में ना सिर्फ फिल्मी सितारे बल्कि कई और भी सेलिब्रिटी शामिल हुए। देवकी नंदन ठाकुर को आप देख रहे हैं और इसके अलावा देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी खास मेहमान पहुँचे थे और योग गुरु बाबा रामदेव भी शादी में शामिल हुए, साथ ही बच्चन परिवार, मैरी कॉम और साथ ही संत समाज से भी, बागेश्वर धाम के संत को भी आप देख रहे हैं और इसके अलावा देवकी नंदन ठाकुर भी इस शादी में शामिल हुए थे। और दूसरी तरफ तस्वीरें आप देखिए, रश्मिका मंदाना, साउथ के भी कई बड़े सितारे अनंत और राधिका की शादी में पहुँचे बधाई देने के लिए और रामानुजाचार्य को आप देख रहे हैं वो भी शादी में पहुंचे थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। तो हर एक बड़ा चेहरा अनंत और राधिका की शादी में पहुंचा और इस आलिशान शादी में शामिल होने के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में देश और विदेश की नामी हस्तियों का तांता लग गया। संजय दत्त, रजनीकांत, हनी सिंह, रणवीर सिंह, हार्दिक पांड्या और अनन्या पांडे जैसे तमाम सेलिब्रिटी इतना जमकर नाचे मानो उनके घर की शादी हो। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, प्रियंका चोपड़ा, बच्चन परिवार समेत फिल्म इंडस्ट्री का हर बड़ा चेहरा अंबानी परिवार की शादी में नजर आया। तो मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ में पहुंचे, जया बच्चन उनके साथ में मौजूद थी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रश्मिका मंदाना जो कि साउथ की सुपरस्टार हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस शादी में पहुंचे। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में पूरी धूमधाम के साथ में मनाई गई। शाही शादी का गवाह बनने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से मेहमान पहुंचे थे और हर कोई अलग अंदाज में दिखाई दिया। बारात में शामिल मेहमानों ने जमकर डांस किया। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े और नामचीन कलाकार झूमते नजर आए। अनिल कपूर और वरुण धवन एक साथ झूमते नजर आए। दोनों राम लखन फिल्म के गाने पर डांस करते दिखे। उनके साथ रणवीर सिंह भी डांस करते हुए दिखे। इन सबके अलावा संजय दत्त भी फिल्मी गाने पर ठुमके लगाते दिखाई दिए। वहां दूल्हा बने अनंत अंबानी भी उनका साथ देते नजर आए। इन फिल्मी सितारों के साथ विदेशी मेहमानों ने भी अनंत अंबानी की बारात में जमकर डांस किया। वहां मौजूद ज्यादातर बाराती पगड़ी और शेरवानी में दिखाई दिए। जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर मशहूर ड्रमर शिवमणि भी वहां अपना जादू बिखेरते दिखे। अनंत और राधिका की शादी समारोह के लिए जियो वर्ल्ड सेंटर को वाराणसी की तर्ज पर सजाया गया था। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अनंत अंबानी और राधिका की शादी को देखकर ऐसा लगा जैसे मुंबई में ही बनारस उतर आया। पूरे के पूरे जियो वर्ल्ड सेंटर को बनारस की तर्ज पर सजाया गया था। फिर चाहे वो वाराणसी के घाट हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर, अनंत और राधिका की शादी के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर को बनारस में बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इस भव्य शादी के लिए सारी तैयारियां भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए की गईं। बताया गया कि ये सब इसीलिए किया गया है ताकि शादी समारोह में आए मेहमानों को भारतीय संस्कृति और खास तौर पर काशी के इतिहास से रूबरू कराया जा सके। इस शादी समारोह की थीम का पूरा ताना बाना भारतीय सभ्यता के इर्द गिर्द बुना दिखा ताकि विदेशों से आए मेहमानों को एक अलग और भव्य एहसास दिलाया जा सके।
इसके लिए चाहे फूलों की सजावट हो या फिर मंडप की बनावट, सब कुछ काशी से मिलता जुलता नजर आया। कोशिश की गई कि मुंबई में हो रहे इस शादी समारोह में आए मेहमानों को ऐसा लगे जैसे वो काशी में बैठे हों। इस भव्य शादी समारोह के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया कि वहां पहुंचे मेहमानों के कपड़े भी भारतीय संस्कृति से मेल खाए। खुद अंबानी परिवार के सदस्य भी पारंपरिक पोशाकों में नजर आए। देश विदेश से आए मेहमानों ने भी इस भारतीय ड्रेस कोड का पालन किया। मेजबानों और मेहमानों दोनों की पोशाकों में भारत की सतरंगी संस्कृति की झलक नजर आई। रंग बिरंगी शेरवानी और चमचमाते लहंगे से सजे तमाम मेहमान बेहद खूबसूरत नजर आए। विदेशी मेहमानों ने भी शेरवानी और लहंगों में अनंत और राधिका की शादी में अपना जलवा बिखेरा। कई जानी मानी विदेशी हस्तियां भारतीय पोशाकों में इस शादी समारोह का हिस्सा बनने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची। मेहमानों के अलावा मेजबान यानी अंबानी परिवार के सदस्यों ने भी इस भारतीय ड्रेस कोड को बड़े शान से दुनिया के सामने रखा। कुछ दिन पहले वाराणसी पहुंची नीता अंबानी ने वहां से बनारसी साड़ियां खरीदी थीं। इसके अलावा मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी की शेरवानी की भी जबरदस्त चर्चा रही, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अनंत अंबानी की गोल्डन रंग की शेरवानी ने खींचा। इस दौरान राधिका मर्चेंट भी गुलाबी रंग के लहंगे में नजर आईं। वहीं शादी के दौरान एक्टर अनुपम खेर और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी जमकर थिरकते दिखे। ये तस्वीरें आप देखिए, वीडियो आप देखिए, अनुपम खेर और साथी क्रिकेटर हार्दिक पांड्या जो कि जमकर थिरकते हुए शादी में नजर आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पत्नी डिंपल यादव और तीनों बच्चों के साथ में शादी समारोह में शामिल हुए। तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और साथी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी और साथी तीनों बच्चों के साथ में इस शाही शादी में शामिल हुए। हॉलीवुड बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश भर के पॉलिटिशियंस ने भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शिरकत की। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी शादी में पहुंचे। वहीं अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव भी परिवार के साथ में इस भव्य शादी में शामिल हुए। संजय दत्त बारात में दूल्हे अनंत अंबानी के साथ में दिल खोल कर नाचते हुए भी नजर आए। सुपरस्टार रजनीकांत बारात में जबरदस्त डांस करते हुए देखे। गाना अनिल कपूर की फिल्म का चल रहा था, लेकिन रजनीकांत ऐसे थिरके कि अनिल कपूर भी उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए। हेलो,
और रणवीर सिंह तो स्टेज पर ही चढ़ गए और फिर उन्होंने इतना जोशीला डांस किया कि उन्हें देखकर लोगों के कदम थिरकने लगे। प्रियंका चोपड़ा बारात में ईशा अंबानी के साथ में चिकनी चमेली गाने पर ठुमके लगाती दिखी। और विदेश से भी नामी चेहरों ने अनंत और राधिका की शादी में शिरकत की थी। अमेरिका से रेसलर और एक्टर जॉन सीना और सेलिब्रिटी किम कंडेंशन, ब्रिटेन से वहां के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और साथ ही बोरिस जॉनसन, दक्षिण कोरिया से सैमसंग कंपनी के चेयरमैन ली जे योंग जैसे दिग्गज भारतीय लिबास में एकदम सज धज कर शादी में पहुंचे। हॉलीवुड बॉलीवुड ही नहीं बल्कि अनंत राधिका को बधाई देने के लिए दुनिया भर के मेहमान जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। फीफा के चेयरमैन जियानी, ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर ने भी भव्य शादी में शिरकत की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रैंड वेडिंग में पूरे बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग पहुंचे और बॉलीवुड ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सदी के महानायक ने भी परिवार के साथ में पहुंचकर शादी में शिरकत की और शाहरुख खान और सलमान खान भी शादी में पहुंचे। कैटरीना कैफ और साथ ही विक्की कौशल भी इस आलीशान शादी में पहुंचे। रजनीकांत, संजय दत्त भी शादी में शामिल हुए। भारतीय पोशाक में सज धज कर अनंत और राधिका के शादी समारोह में पहुंचे तमाम मेहमानों का स्वागत कानों में मिश्री घोलने वाले भारतीय संगीत से हुआ। सितार और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर के माहौल में चार चांद लगा दिए। देश की सबसे बड़ी शादी समारोह में शिरकत करने आए मेहमानों का स्वागत पारंपरिक भारतीय संगीत से हुआ। मुख्य दरवाजे पर बजते सितार और शहनाई ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके अलावा राजस्थानी लोक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने भी वहां अपना जलवा बिखेरा। इस दौरान अनंत और राधिका के शादी समारोह में आए मेहमानों को कविता सेठ ने अपने सूफी संगीत से मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके साथ ही मशहूर गायक अमित त्रिवेदी ने भी अपने अंदाज में अनंत और राधिका के इस भव्य शादी समारोह में चार चांद लगा दिए। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुए इस भव्य आयोजन में कई विदेशी गायकों ने भी प्रस्तुतियां दी। साथ ही हार्डी संधु और हनी सिंह जैसे पंजाबी गायकों ने भी अपना जलवा बिखेरा। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी समारोह में दुनिया भर से आए वीवीआईपी मेहमानों का तांता लग गया। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सियासत की दुनिया की जानी मानी हस्तियां अनंत और राधिका को आशीर्वाद देने के लिए मुंबई पहुंची। जैसे ही अनंत अंबानी की बारात उनके घर एंटेलिया से निकलकर मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची, सबकी नजरें बारातियों पर टिक गईं, क्योंकि इस बारात में रेसलर जॉन सिन्हा के साथ फिल्म इंडस्ट्री के सितारे रणवीर सिंह और संजय दत्त दूल्हे अनंत अंबानी के साथ झूमकर नाचते दिखाई दिए। बारात पहुंचने के साथ ही मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। एक्ट्रेस दिशा पाटनी, शाहरुख खान के बेटे आर्यन और बेटी सुहाना और कृति सरन अनंत की शादी में शामिल होने के लिए पहुंची। इस दौरान शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान गोल्डन कलर की साड़ी में नजर आई। रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया के साथ पहुंचे तो माधुरी दीक्षित भी अपने पति और बेटे के साथ शादी समारोह में शामिल होने पहुंची। अनंत अंबानी और राधिका की शादी में पति निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा भी पहुंची। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा रंग के खूबसूरत लहंगे में दिखाई दी। फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने बारात निकलने के दौरान जमकर डांस किया।